जी स्टूडेंट्स, आज हम अपने फोटोशॉप का, हो सकता है ये लास्ट लेक्चर हो सकता है ये सेकंड लास्ट लेक्चर हो, अगर हमारी कोई भी ऑप्शन रह जाती है, कोई टूल कोई मेन्यू की ऑप्शन रह जाती है, तो इंशाल्लाह वो मैं डिस्कस करूंगा आपको नेक्स्ट थर्सडे को, क्योंकि मंडे से हमारा नया मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है इलस्ट्रेटर। तो इलस्ट्रेटर हम इंशाल्लाह इसका इंट्रोडक्शन, इसकी इंस्टॉलेशन अगर आपको रिक्वायर्ड है तो मंडे को आप अपनी मशीन्स के ऊपर इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके स्टेप्स मैंने आपको जिस तरह फोटोशॉप पे शेयर किया था वो ये आपका सेम टू सेम यहाँ पे आपको इलस्ट्रेटर के लिए भी इंशाल्लाह मंडे को आपको बता दूंगा। USB पे लेना है सॉफ्टवेयर वहाँ से ले लीजिएगा, अगर गूगल ड्राइव से डाउनलोड करना है वहाँ से कर लीजिएगा। इंस्टॉलेशन का सारे के सारे स्टेप बाई स्टेप आपको मैं मंडे को शेयर करूँगा इलस्ट्रेटर के लिए। अभी आज के दिन हमने फोटोशॉप को क्लोज करने जा रहे हैं, और फोटोशॉप में कुछ टूल्स हमारे रहते हैं, खासतौर पर इस स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया। हिस्ट्री ब्रश टू, अरेजर टूल, बैकग्राउंड अरेजर टूल, मैजिक अरेजर टूल, ये वो टूल्स हैं जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए। फोटोशॉप में हर टूल की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, तो ये भी टूल उतनी ही इंपॉर्टेंट है जैसे बाकी टूल्स मौजूद हैं। ठीक है, इन टूल्स की डिटेल स्लाइड्स के ऊपर पड़ी हुई है, वो भी इंशाल्लाह शेयर करते हैं। तो हम फोटोशॉप में जाके इन टूल्स को थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं कि इन टूल्स से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अरेजर टूल हो गया, बैकग्राउंड अरेजर हो गया, या मैजिक अरेजर हो गया, इसका यूज कहाँ पे किस तरह होता है, फिर मैं आपको हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल की तरफ लेके आता हूँ। और कुछ ऑप्शंस हैं जो आज डिस्कस करनी है, अदर देन दिस कुछ टूल्स और भी हैं उनको भी डिस्कस करना है, और फाइनल हम लास्ट मोमेंट के ऊपर जो काम करेंगे एनिमेशन बनाएंगे। एनिमेशन क्या होती है, आपके स्टिल इमेजेस को मूविंग, आप अगर उसका स्टेटस चेंज कर दो, स्टिल इमेजेस को आप मूविंग स्टेटस में ले आओ, तो वो आपका एनिमेशन कहलाती है। एनिमेशन करनी हो या काइंड ऑफ आपको वीडियो एडिटिंग करनी हो, तो फोटोशॉप इज नॉट ए राइट टूल, बट फोटोशॉप अलाउ करता है कि फैसिलिटी देता है, जिनको इस टूल के अलावा आता कुछ नहीं है वो इसके अंदर रहते हुए एनिमेशन भी अपनी बना सकते हैं, दूसरा वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं किसी ना किसी हद तक। लेकिन इसकी राइट टूल नहीं है, सॉफ्टवेयर इसके लिए अलग से मौजूद हैं, बल्कि आपको एडोबी भी प्रीमियर के नाम से सॉफ्टवेयर देता है जिसमें आप वीडियो एडिटिंग करते हो, एनिमेट का सॉफ्टवेयर देता है जिसमें एनिमेशन आप बनाते हो, एडोबी की अपनी भी सॉफ्टवेयर्स हैं एनिमेट के नाम से और दूसरा प्रीमियर के नाम से, एक वीडियो एडिटिंग के लिए होता है एक एनिमेशन के लिए होता है। लेकिन किसी ना किसी हद तक इस टूल में भी बिल्कुल लाइट सी फैसिलिटी मिनिमम फीचर्स के साथ अवेलेबल है, तो उसको भी इंशाल्लाह आज नहीं तो हम थर्सडे को जब मैंने आपको फाइनल क्लास के लिए कॉल करूंगा उसमें इसको देख लिया जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर कुछ रह भी गया आज तो वो मैं आपको अगली थर्सडे को, हम रूटीन की जो क्लासेस होंगी उसके बाद थर्सडे को कॉल करूंगा आपको, तो उसमें आपने क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। अभी हम देख रहे हैं कुछ ऑप्शंस जो स्टार्ट आपको कर रहा हूँ, अरेजर टूल क्या करता है, बैकग्राउंड अरेजर टूल क्या करता है, और मैजिक अरेजर टूल क्या करता है। इसके लिए फोटोशॉप में जाते हैं और कोई इमेजेस को लोड कर लेते हैं। जैसे ये फोटो है, लेयर पैनल को आप क्लिक कर दो और इसको आउटसाइड अगर ले आओ तो बेहतर है। ये आपका लेयर पैनल है और ये आपकी ग्राउंड बैकग्राउंड लेयर अनलॉक कर देती हैं, और अगर आप इसमें एक नई लेयर क्रिएट कर दो और इसको शिफ्ट कर दो स्टैकिंग ऑर्डर में बिलो, और इसके अंदर अगर आप कलर भी कुछ ऐसा फिल कर दो जो अदर देन हो, ये कलर भी मैंने इसके अंदर रेड कलर यहाँ पे फिल कर दिया। अरेजर नाम से जाहिर है, जैसा ब्रश ब्रश के स्ट्रोक्स लगाता है, अरेजर आपको अरेज करने के लिए लेके जाता है। आपने जस्ट अरेजर पे क्लिक किया, इसमें तीन ऑप्शंस होती हैं, अरेजर टूल, अरेजर टूल क्या करता है कि जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो उसको अरेज कर देता है, उस एरिए को पिक्सल्स को वॉश कर देता है, क्लीन कर देता है, ख़त्म कर देता है। लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने अरेजर टूल को अप्लाई करते पहले लेयर को देख लेना, लेयर कौन सी, दिस इज द लेयर, लेयर को सबसे पहले एक्टिवेट कर लेना।
लेयर को पहले आप क्लिक कर देना। इस लेयर के पिक्सल्स को अगर आप वॉश करना चाह रहे हो, क्लीन करना चाह रहे हो, तो अब आपने ये अरेजर टूल को यहां से एक्टिवेट करना है। अरेजर का साइज छोटा बड़ा करने के लिए आपको पता है ब्रेसिस होती हैं स्मॉल करने के लिए, और जो इसकी क्लोज ब्रेस है वो बिग साइज करने के लिए। जिस तरह ब्रश होता है इसी तरह अरेजर भी होता है, ठीक है। ब्रश और अरेजर में फर्क क्या है? ब्रश वो स्ट्रोक्स को पिक्सल को वहां पे पॉपुलेट कर देता है उस लेयर के ऊपर जिसको आपने एक्टिव किया हुआ है, जबकि अरेजर क्या करता है उसमें से उन पिक्सल को क्लीन कर देता है जो इस एरिया के अंदर आएंगे। ये आपका जो एक रेडियस है, डायमीटर है, इसके अंदर जो कुछ आएगा वो खत्म। ये चूंकि मैंने इसके बिलो लेयर आपके विजिबल की हुई रेड कलर के साथ, तो इसके पिक्सल अरेज हो रहे हैं। तो इसका मतलब है जब कभी आपको कुछ अरेजिंग रिक्वायर्ड है आप इस टूल को अरेजर को यूज कर सकते हो, और इसको क्लिक करते ही या आपकी शिफ्ट के साथ भी आप प्रेस कर सकते हो। आपको पता है इसकी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट वही चलेंगी जो ब्रश के ऊपर आप चलाते हो। F5 ब्रश की यहां से स्पेसिंग आपको पता है एडजस्ट कर सकते हो। स्ट्रोक आपको लाइट सॉफ्ट अरेजर चाहिए आप सॉफ्ट अरेजर भी ले सकते हो। सॉफ्ट रेजर को करके आप इसकी जो स्पेसिंग को भी एडजस्ट कर सकते हो, और इसको यहाँ पे साइज बड़ा छोटा करना हो ब्रैकेट के साथ आप इसको कर सकते हो। और क्लिक जब करोगे तो ये लाइट आपका जो उसकी मॉड ऑन किया गया, अरेज स्टिल हो रहा है, अरेज हुआ, पिक्सल्स को खत्म किया, लेकिन इसको सॉफ्ट अरेज किया गया। हार्ड अरेज एंड सॉफ्ट अरेज इसका मतलब है जब कभी आपने अरेजर को यूज करना है तो वही प्रॉपर्टीज को फॉलो करना है जो ब्रश के लिए आपने बताई गई थी, ठीक है। सेम वही प्रॉपर्टीज चलेंगी। और अगर आप कोई इमेज अदर देन दिस ओपन करते हो, जैसे हम ये कर लेते हैं ये वाला इमेज, इस इमेज को अगर आप जस्ट मूव करके स्टैकिंग ऑर्डर में इसके बिलो ले जाते हो तो ये आपको यहाँ पे उसके इफेक्ट्स भी नजर आ रहे हैं। अरेजर ने वो आपको जो बिलो लेयर के पिक्सल को विजिबल इसलिए किया कि अबव लेयर के पिक्सल को रिमूव किया गया। तो अरेजर आपको इस तरह डिजाइन करने में भी हेल्प करता है, और आपके पिक्सल्स जो करंट लेयर के हैं उनको खत्म करने में भी आपको हेल्प करता है। तो ये एक सिंपल सा एक टूल है जो अरेज करता है, पिक्सल का स्टेटस चेंज करता है, जो करंट पिक्सल आपके अरेजर के अंदर जो करंट लेयर के अंदर आपके मौजूद हैं उनको अगर आपने रेज करना हो जस्ट ब्रश का साइज सेट करो, उसका हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस हार्डनेस सेट करो और इसको अप्लाई करो, ठीक है जी। अरेजर तो अरेजर एक काइंड ऑफ ब्रश की तरह ही आपको यहाँ प्ले होता है, लेकिन इसमें और ब्रश में फर्क क्या है? ब्रश आपके उस कलर के जो फोरग्राउंड के होते हैं उसके कलर्स वहां पे आपको ऑन करता है, जबकि अरेजर आपके करंट लेयर के पिक्सल्स को वहां से रिमूव कर देता है। तो ये आप रिमूव कर सकते हो, और रिमूव करने के लिए आपने जस्ट अरेजर को सिलेक्ट किया और इसको आप यहां से जैसे जैसे स्ट्रोक इसके ऊपर लगाते हो उस पार्ट को अरेज करना शुरू कर देता है, ठीक है। करंट पिक्सल जो भी इस इमेज के साथ कनेक्टेड थे उसको अरेज करते ही पिक्सल विजिबल होने शुरू हो गए जो इसके बिलो लेयर है। बिलो लेयर पे ये आपको अम्ब्रेला वाला आपको एक मैंने इमेज यहाँ लोड किया हुआ है, तो इसको अरेजर को आप स्पेसिंग के साथ कंट्रोल कर लो, इसकी शेप्स को कंट्रोल कर लो, साइज को कंट्रोल कर लो, अरेजर आपका अरेज करने के लिए आप यूज करते हो। ये वेरी वेरी सिंपल टूल, इसको अगर आप यूज करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। अरेजर की आगे फर्दर ये डिफरेंट वैल्यूज साइज के हवाले से, हार्डनेस के हवाले से यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको हार्ड अरेजर चाहिए, हार्डनेस इसकी फुल कर दो, इसमें और ये सॉफ्टनेस में फर्क ये है जो यहाँ नजर भी आ रहा है, ठीक है। ये आपकी सॉफ्ट अरेजिंग है, ये आपको यहाँ पे सॉफ्ट रेजिंग जिसमें आपको काइंड ऑफ सॉफ्ट एजेस आपको दिख रही हैं, और ये जैसे आप क्लिक करते हो क्योंकि आपने अरेजर की जो ब्रश की वैल्यूज को आपने हार्ड किया हुआ है, जो कि यहाँ से आप कर सकते हो, साइज यहाँ से कर सकते हो, सॉफ्ट हार्ड यहाँ से भी आप कर सकते हो, एंगल रोटेशन भी आप ब्रश की दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको फ्लैट ब्रश चाहिए, अरेजर आपको फ्लैट चाहिए, फ्लैट के लिए आप यहाँ से इसकी वैल्यूज को राउंडनेस जिसे बोलते हैं राउंडनेस को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ तक कि इसका एंगल भी अरेजर का सेट कर सकते हो। ये करने के बाद इसको आप इस पे अप्लाई करके भी देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये आपके अरेजर ने यहाँ पे आपकी उस अरेज करते ही आपको दिखा रहा है
कि उसने करंट जो लेयर है उस पर अरेजर चलते ही उसके पिक्सल्स को रिमूव कर दिया। अब ये आपको हार्ड चाहिए या सॉफ्ट चाहिए, ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे क्या करना चाह रहे हो। तो इसका मतलब अरेज आपके करंट लेयर के जो पिक्सल्स हैं उनको क्लीन कर देता है, डिलीट कर देता है, और तो विजिबल क्या होता है जो उसके बीच बिलो वाली लेयर है, अगर उससे बिलो वाली करनी है ये लो, ये रेड है, ये ऑन करोगे ये अम्ब्रेला वाली लेयर है। तो इस तरह ये आपको अरेजर फैसिलिटेट करता है कि जब कभी आपने कोई चीज़ ख़त्म करनी हो तो ख़त्म की जा सकती है। तो अगर आप अरेजर को अप्लाई करने के बाद आपके जेहन में आता है कि क्या इसको मैं अंडू कर सकते हैं, हम लोग क्या इसको एक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उसके लिए अंडू लेवल आपका ये अवेलेबल है, जो लास्ट एक्शन की है सिर्फ उसको अंडू करने के लिए आप ये काम कर सकते हो। जहाँ तक आप मल्टीपल अंडूज करने हो, जैसे मैं अगर करता हूँ कंट्रोल जेड, जैसे आप करते हो कंट्रोल जेड से हुआ क्या कि आपने इसकी विजिबिलिटी को ऑफ किया था, तो उसने दोबारा उसको ऑफ कर दिया, कंट्रोल जेड दोबारा ऑन कर दिया, कंट्रोल जेड दोबारा ऑफ कर दिया, मींस दैट जो आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया होता है उसको अंडू करता है। ठीक है, अंडू ये आपको करता है। और अगर आप मल्टीपल एक्शंस को स्टेट्स को रिवर्स करना चाह रहे हो, तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको असल में एक टूल दोबारा से बताना है, शायद मैंने पहले भी टच किया था इसको, हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। इस टूल को अगर आपने यूज करना हो तो ये आपको रिकवर करता है लास्ट स्टेट्स को, और लास्ट स्टेट्स पे जाने का रिकवर करने का जो इसका तरीका है, प्रोसेस है, वो आपको फॉलो करता है हिस्ट्री को। ये हिस्ट्री है, और हिस्ट्री की कितनी स्टेट्स को रिवर्स कर रहा है ये डिपेंड करता है आपने क्या सेटिंग की है इसके लिए। सेटिंग कहाँ करते हैं, 50 लेवल अंडूस याद होगा, हिस्ट्री स्टेट्स सेट करते हैं एरिड में जाके, यहाँ पे आप प्रेफरेंसेस के अंदर ये आप हिस्ट्री लॉग करने हैं, ये भी मैंने एक दिन आपको बताया था, यहाँ से हिस्ट्री लॉग्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। जहां तक हिस्ट्री स्टेट्स हैं ये परफॉर्मेंस में होती है, और इसकी बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बोला था इसकी वैल्यू काफी हाई होती है, 40-50 स्टेट्स आर मोर देन एनफ, अदरवाइज ये लोड पड़ता है आपकी रैम के ऊपर और आपकी एफिशिएंसी जो है सिस्टम की डाउन हो जाती है। तो ये मैंने आपको बोला था 30-40 इज द मैक्सिमम वैल्यू जो आप करते हो। ये हिस्ट्री स्टेट्स असल में आपकी यहाँ पे स्टोर होती है, हिस्ट्री का पैनल में स्टोर होती है, और हिस्ट्री पैनल को आपने ऑन रखना होता है, और हिस्ट्री पैनल अगर ऑन नहीं होता तो आपने हिस्ट्री पैनल को ऑन यहाँ से कर लेना है। ये है जी हिस्ट्री पैनल। इसको ऑन करने से फायदा ये होता है कि अगर आपने नंबर ऑफ एक्शंस को रिवर्स करना हो, मतलब मैंने काफी सारे इस पे स्ट्रोक लगाए अरेज करने के एक्शंस किए, ये देखो यहां तक के आपको उस लेवल पे लेके आता है जिस लेवल पे आपने जनाब इसको क्या किया होगा, ओपन किया है, डॉक्यूमेंट को ओपन किया है, उस लेवल पे आपको रिवर्स कर देता है। ये यहां से करते हैं, और ये आपका बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट ओपन करते हो और कोई फाइल आपने जस्ट इंपोर्ट किया है या ओपन किया है, ये आपको उसका स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट ले लेता है। ये स्नैपशॉट है, ये वो लेवल है जहां पे आपने फ्रेश डॉक्यूमेंट ओपन किया था फोटोशॉप का, ये लेडी मॉडल आपने उसको ओपन किया था, उसके बाद आपने क्या क्या काम किया है उसको अगर आपने दोबारा से रीडू करना हो जो एक्शन आपने इसके ऊपर प्ले किए हैं उनको रीडू करना हो, यहां से सारे काम कर सकते हो। ये रीडू के लिए जो किया है दोबारा से कर, ये जितने आपने एक्शंस किए थे वो आपके उसी ऑर्डर में, और इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट कंट्रोल जेड और ऑल्ट कंट्रोल जेड, शिफ्ट कंट्रोल जेड है, ठीक है जी, और अंडूज को आप रिवर्स भी कर सकते हो, शिफ्ट कंट्रोल जेड और ऑल्ट कंट्रोल जेड से आप इनको, या माउस अगर है तो माउस से भी ये हिस्ट्री आपकी रिवर्स कर देता उस लेवल पे जहां पे आपने इस डॉक्यूमेंट को ओपन किया था। ये बाज औकात आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप करंट फोटो के ऊपर कुछ एडिटिंग करते हो और आप समझते हो कि जब मैंने ओपन किया था उसी स्टेज पे मुझे वापस ले जाए,
तो एक ये भी तरीका है हिस्ट्री स्टेट्स को अगर आपने मेंटेन किया हुआ है तो इसको आप यहां से ऑनवर्ड लेके जा सकते हो, यहां तक के इसका फ्रेश स्नैपशॉट भी ले सकते हो, स्नैपशॉट दिस वन। ये स्नैपशॉट के लिए एक कैमरा सा आपको बना हुआ नजर आ रहा होगा, इसको भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप हिस्ट्री स्टेट्स को माइनस करना चाहो आप माइनस भी कर सकते हो, आपको नहीं चाहिए ये सारी हिस्ट्री स्टेट्स, आपको नहीं चाहिए आप इनको खत्म भी कर सकते हो। मतलब ये है कि आपने एक एक्शन किया था और उसको आप नहीं दोबारा से परफॉर्म करना चाह रहे, इसको लिस्ट में से निकालना हो आप डिलीट भी कर सकते। अब वहां तक आपकी सारी स्टेट्स को उसने माइनस कर दिया, डिलीट कर दिया। इसका मतलब है जिस पे क्लिक करोगे आप चाह रहे हो कि इसके बाद का जो पोर्शन है इसी स्टेट्स को रिकॉर्डिंग शुरू कर दे, इससे बाद जो मैंने किया है मुझे नहीं चाहिए, डिलीट। मेंटेन जो कर रहा है आपकी आसानी के लिए कर रहा है, आपको प्रोवाइड करने के लिए कर रहा है, जो कि 40 स्टेट्स आपने कहा था हिस्ट्री स्टेट्स उसको रिकॉर्ड कर रहा है। अब इसके बाद जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा इसको रिकॉर्ड करेगा। मिसाल के तौर पे मैं कहूं इस लेडी का फेस का कलर थोड़ा सा मैं ब्राइट करना चाह रहा हूं, कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी उसी को अप्लाई कर लेते हैं। ये जी मॉडल, इसको सिलेक्ट किया लाइक दिस ना, सेलेक्ट करने के बाद अगर आप समझते हो कि ये जो हेयर कुछ भी इंक्लूड नहीं करना ऑल्ट के साथ माइनस कर दो, इसको इंक्लूड करना है शिफ्ट के साथ ऐड कर दो, ठीक है जी। अगर आपको कहा जाए इसको थोड़ा सा कलर इसके ब्राइटनेस इसकी बढ़ा दी जाए तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इसके ऊपर एडजस्टमेंट लेयर लगा दो, यहां से इसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट आप क्लिक करके इसके ऊपर आप इसको प्ले करो वैल्यूज को यहां से, ये देख रहे हो यहां से कर लो कंट्रास्ट उसका डेवलप कर लो, यहां से आप इसको कर सकते हो, समझ रहे बात को। यहां एक और काम करते हैं, ये मुझे यही से याद आया कि अगर आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हो उसको कलर करना हो क्या करेंगे, और अभी ये जो हिस्ट्री स्टेट्स हैं जहां तक आपने खत्म किए हैं उससे ऑनवर्ड फिर बनानी शुरू कर दी, उसने मेंटेन कर रहा है, हो रहा है ना। ये देखो जो एक्शन आपने किए हैं वो सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप पीछे भी लेके जाना चाहो ये लेके जा सकते हो, ये देखो। और उस लेवल पे ले आओ जहां पे वो ओपन हुई थी फाइल, ये उस लेवल पे आपको यहाँ पे ले आया। इसका मतलब ये हुआ कि हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ आपने कोई स्टेप अगर आपने इसमें लोड किया है अप्लाई किया और आप उसको माइनस करना चाह रहे हो या उस हिस्ट्री को ही क्लियर करना चाह रहे हो, आप ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। और आपने स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ दोबारा आना हो तो ये आगे की तरफ आपको स्टेप बाय स्टेप लेके भी आ रहा है, जो जो आपने परफॉर्म किया है उसके ऊपर अप्लाई करके भी दिखा रहा है। तो ये आपके पास हिस्ट्री की स्टेट्स हैं और ये आपको मेंटेन करता है, और इसका जो स्नैपशॉट है वो फ्रेश वाला भी आप अपने पास लोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ जो करंट आपका स्टेटस है उसका स्नैपशॉट ले लिया जाए, जिसमें मैंने थोड़ी सी ब्राइटनेस उसकी क्लियर क्लीन की है, ठीक है। स्नैपशॉट ले लो यहाँ से, ये स्नैपशॉट ले लिया। अब दो चीजें हैं आपके पास, ये स्नैपशॉट आपका फ्रेश वाला है और ये स्नैपशॉट आपका ओल्ड वाला है, ठीक है। ये देख लो ये ओल्ड वाला स्नैपशॉट और ये न्यू वाला स्नैपशॉट, दोनों आपके साथ मौजूद हैं। यहां से ऑनवर्ड अगर आप इसको फर्दर स्टेप्स को क्रिएट करना चाह रहे हो हिस्ट्री के, यहां से मेंटेन कर लो। अब आपके पास दोनों स्नैपशॉट्स हैं, कभी आपको जरूरत पड़ती है ओरिजिनल की तरफ जाने की, यहां से ऑनवर्ड आपको इसके ऊपर आपने वर्क करना है, इस इमेज के ऊपर काम करना है, इस स्नैपशॉट को आप क्लिक कर दो। लेकिन आप चाह रहे हो नहीं मुझे इसके ऊपर नहीं बल्कि इससे ऑनवर्ड इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, आप इसका स्नैपशॉट यहां से ऑन कर दो। अब क्या होगा, इसके ऊपर जितना वर्क होगा वो इस स्नैपशॉट के अंडर उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लेयर पे चलते हैं, ये लेयर है, इस पे एडजस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे हम कलर सेट करते हैं, लिप्स का कलर दे देते हैं अदर देन रेड, पहले तो सिलेक्ट कर लो। अब सिलेक्ट करने के लिए
टूल आपके पास बेशुमार हैं, ये ले लो, ये भी ठीक है, लेसर टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा साइज कर लेते हैं ताकि एक ही एक्शन में मैं इसको कर दूं, वरना फिर मुझे वो शिफ्ट के साथ ये वो सारा कुछ करना पड़ेगा। ले जी जनाब, ये छोटे छोटे एक्शन हैं एडजस्टमेंट के अंदर, आप इसको कर सकते हो। एडजस्टमेंट मैंने कल ही स्टार्ट करवाई थी और ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको शिफ्ट के साथ कंटिन्यू करना चाहो और लेयर, और लेयर के ऊपर एडजस्टमेंट, अगेन एडजस्टमेंट, ह्यू, सैचुरेशन, यहां पे आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहां से इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो जो भी करनी हो। मैंने सिलेक्शन इतनी अच्छी नहीं की, कुछ मिसिंग है, इसको अच्छा कर सकते हो, टूल आपके सामने है सारे। ये ह्यू, इसका मतलब है किसी भी जगह पे आप, जरूरी नहीं कि आपने शर्ट पहनी हुई उसकी कलर चेंज करना है, आप कोई भी स्किन के आप एरिए आप हाईलाइट करने के बाद उस पर एडजस्टमेंट लेयर से ह्यू एंड सैचुरेशन में जाके यहाँ पे आप उसको फर्दर सैचुरेट कर सकते हो कलर्स को। ये देख रहे हो, ये लाइट मोड, ये इसके अंदर कलर की प्रेजेंस, और इसमें फर्दर लाइटनेस डार्कनेस इसे कंट्रोल कर लो। लाइट हो रहा है और इसको डार्क कर रहे हैं, इसका मतलब है सिलेक्शन जितनी अच्छी होगी रिजल्ट्स उतने अच्छे आपको बनाने आ जाएंगे। तो आपने ये सारा सिलसिला यहां से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर, ये है जीसी, समझ रहे बात को, एडजस्टमेंट। और ये जो काम किया गया स्टूडेंट्स, रिपीट, अच्छा जी शहीदुल्ला साहब, आपने करना क्या है, आपने जस्ट सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन अगर आपको करनी आती है, सिलेक्शन करने के बाद आपने उस सिलेक्शन को जो एक्टिव सेल्स हैं, जो पिक्सल्स एक्टिवेट हुए हैं, उन पिक्सल्स में आपने चेंजेस करनी है जो कि एडजस्टमेंट होती है। आप इसको परमानेंट नहीं करना चाह रहे, आप इसको एडजस्टमेंट के तौर पर लेयर के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हो, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, और ये पूरा ही अगर आपको रिमूव करना है रिमूव भी, ये डस्टबिन है, बिन के ऊपर आप क्लिक करके ये टोटली इसको यहां से खत्म भी कर सकते हो। तो आपको कोई भी, मैं चले मिस्टर शहीदुल्ला की एक प्रॉब्लम को दोबारा से मैं आपको क्लियर करूं, हम एक और ब्राउज करते हैं। मैंने जैसे बोला हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट एक मॉडल यहाँ पे ले लेते हैं जी, ये ले लेते हैं, बाद में हमारे पास फोटोज होते हैं जिसके ऊपर कलर्स नहीं होते, ठीक है। अब इसको आप कलरफुल कैसे बना सकते हो, कलरफुल बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जनाब इस लेडी के सिलेक्शन एक्टिवेट करनी है जहां पे आप कलर को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो। तो सिलेक्शन के लिए जनाब आपके पास टूल बेतहाशा है, जो आपको दिल करता है जौन सा टूल यूज करना है आप कर लो। मेरा ख्याल में राइट नाउ मैं अगर इसको सेट करना चाह रहा हूं, जस्ट लिप्स के ऊपर अप्लाई करना है, लिप्स को आप सिलेक्ट कर, ठीक है जी, एडजस्टमेंट पूरे फेस को करना है, पूरे फेस को कर लो, ये एडजस्टमेंट यहां से होती है, और ये कलर्स आप यहां से आप सेट कर सकते हो, ये जी कलर्स। कलर जो आपको रिक्वायर्ड हो, और खास तौर पे जब ब्लैक एंड व्हाइट है आपका होता है सरफेस, तो आप एक काम किया करो, कलराइज, ये ऑप्शन, दिस वन, कलराइज, ठीक है। और अब आप यहां से कलर्स को बड़े अच्छे तरीके से सेट कर सकते हो, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस,
सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत अच्छे तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकोगे। सिलेक्शन अच्छी कर लेना। अगर मैं आपको कहूँ इसके जो स्किन टोन है वो ब्लैक एंड वाइट है, इसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर लेते हैं, ये लें दोबारा से सिलेक्शन करते हैं, ये जी लेयर को सिलेक्ट कर लिया, लेयर के ऊपर मॉडल का फेस शिफ्ट के साथ, ठीक है, इधर अगर कुछ और करना है शिफ्ट के साथ, ये लो ऑल्ट के साथ और एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट डन। इसको मजीद आप रिफाइन कर सकते हो, सिलेक्शन अच्छी कर लेना, करने के बाद इसके ऊपर अगेन ह्यू एंड सैचुरेशन, ये आपके पास आ गया जनाब, और अब आप इसके ऊपर अप्लाई कर दो जो कलर देना चाह रहे हो, कलराइज ऑन कर देना, यहां से इसको सैचुरेट कर सकते हो, अगर थोड़ा सा सॉफ्ट कलर देना है, ब्राइट देना है, ये लो ये सैचुरेट करता है कलर को, ठीक है, और यहां से आप कलर का स्किन का जो भी आपको रिक्वायर्ड है आप इसको दे सकते हो, और ये देने के बाद यहां से कलर की प्रेजेंस अगर आपने हाई करनी है तो हाई भी कर सकते हो, और इसकी लाइटनेस और डार्कनेस को कंट्रोल करना है यहाँ से भी आप कर सकते हो, ये बिल्कुल वाइट शेड हो गया, ये बिल्कुल ब्लैक हो गया, इन बिटवीन ये आपने यहाँ रखना है, कलर्स आपने यहाँ से बताने हैं, ये ग्रीन आ गया, ठीक है, ये स्किन टोन ये वाला है यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये बिटवीन रेड एंड ऑरेंज यहाँ पे आपने इसको कर देना है, और इस कलर को आप यहाँ से थोड़ा सा रिड्यूस करके, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई मॉडल है, कोई इमेज है और आपका वो कलर्स में नहीं है, कोई फोटो पुराना पड़ा हुआ है, उसको आप बड़े अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट लेयर के साथ उसको कलरफुल बना सकते हो, आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, ये वो चीज़ें थी जो कल थोड़ी सी हमने मिस की, तो आज मैंने ये भी आपको बता दिया कि किस तरह आपने इस पर अप्लाई करना है। अब ये डबल आपकी एडजस्टमेंट लगी हुई है, ठीक है, दोनों अलग अलग सिलेक्शन के ऊपर लगी हुई है, तो आप यहाँ से अब मल्टी एडजस्टमेंट आप लगाते जाओ, ये अलग लगी हुई एडजस्टमेंट और ये अलग लगी हुई एडजस्टमेंट, दोनों अलग अलग मैंने, हाँ बस सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, सिलेक्शन अच्छी होगी, नीट एंड क्लीन होगी, रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, और ये आते हैं प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। मास्क का मैंने आपको सारा सीन बता दिया था, तो मास्क क्या करता है कि आप अगर बाज़ुकात आपको सिलेक्शन जो है वो रिक्वायर्ड होती है सिलेक्शन के अंदर, एडजस्टमेंट में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो, ब्लैक एंड वाइट ब्रश वो याद रखना, ब्लैक एंड व्हाइट ब्रश से, ठीक है जी। दोबारा आ जाएं उसी टॉपिक पे जो इरेजर से हमने बात स्टार्ट की थी, और थोड़ी देर में मैं आपको दोबारा से इस पॉइंट पे लेके आऊँगा कि आपको हिस्ट्री के अंदर ये ऑप्शंस जो दो हैं ये किस तरह फैसिलिटेट करते हैं, दिस वन ये हिस्ट्री ब्रश टूल है, और इसका भी ताल्लुक उसी हिस्ट्री के साथ है जो भी थोड़ी देर पहले मैंने 40 स्टेट्स जिसकी सेट की हैं, उसका डायरेक्ट इसके साथ वास्ता है हिस्ट्री ब्रश टूल, लेकिन इसको मैं अभी आपको थोड़ी देर में अप्लाई करना दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप इस टूल्स को, अरेजर टूल मैंने आपको बता दिया, अरेज करता है आपके सरफेस के ऊपर पिक्सल्स को ख़त्म कर देता है, और यहाँ पे दोबारा से एक बार फिर अरेज करता है करंट पिक्सल के जो आपका मॉड है, ये आप पेंसिल भी ले सकते हो, ब्लॉक भी ले सकते हो, दो तीनों में फ़र्क है, ब्लॉक लोगे तो काइंड ऑफ ब्लॉक आ जाएगा जो आप यहाँ पे ब्लॉक वाइज उसको रिमूव करता है, ब्लॉक्स में रिमूव करता है, ठीक है, कभी आपको रिमूव करना हो ब्लॉक्स में तो ये आप रिमूव करते ही इसकी विजिबिलिटी बिलो लेयर की पिक्सल की हो जाती है। आमतौर पे वैसे हम ब्रश ही यूज करते हैं, तो या ब्रश ही यूज करो, और दूसरी बात ये ब्रश का साइज, इसकी डायमेंशन, इसकी हार्डनेस, इसका एंगल जो आपने ब्रश का बताना है वो यहाँ से बता देते हो, मॉड यहाँ से बता देते हो, और ये आपकी ओपेसिटी होती है, ओपेसिटी अगर आप थोड़ी सी लो कर दोगे तो ब्रश आपका स्ट्रोक ब्रश रिमूव करेगा ऐसे, लेकिन लाइट आपकी प्लेसमेंट, ये देखो हो रहा है काम आपका। एक काम करता हूं इस पे इमेज एक और ओपन कर लेते हैं, ताकि लाइट ओपेसिटी आपको जितना पता है कि ओपेसिटी ने क्या करना होता है,
कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म कर लो इसको, एडजस्ट कर लो इसको। जैसे ये इमेज यहाँ पे आ गया, इसको बिलो लेयर के ऊपर आप शिफ्ट कर देते हैं और सॉफ्ट अरेजर आपको यहाँ पे ये विजुअल दे रहा है ओपेसिटी के साथ। ओपेसिटी का मैंने सिर्फ आपको बताना था, बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि आप ओपेसिटी को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपकी वैल्यूज इसकी लो ओपेसिटी के साथ जाओगे तो ये ब्रश यहाँ पे आपको इसकी प्रेजेंस अरेजर की इस लेयर के ऊपर, लेयर पहले क्लिक कर देना, ये लो देख रहे हो, ओपेसिटी आपको हाई रखनी पड़ेगी। अगर अच्छे लेवल का रेजर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है तो अब आपको बिलो लेयर के पिक्सल विजिबल होने शुरू हो गए। ओपेसिटी से भी बहुत फर्क पड़ता है अगर आप इसको यूज करना चाहो तो। अंडू कर देते हैं, अब जरा आ जाते हैं नेक्स्ट, एक और छोटी सी ऑप्शन इसी के साथ मौजूद है, वो आपको एक मैजिक रेजर है, ये भी अरेज करने के लिए यूज होता है। एक बैकग्राउंड रेजर होता है, बैकग्राउंड रेजर क्या करता है उसकी एग्जांपल इस तरह है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक फ्रेम है और इस फ्रेम के ऊपर स्ट्रोक्स लगे हुए हैं। चलें ब्रश के स्ट्रोक लगा लेते हैं, साइज जरा बड़ा कर लेते हैं, ये स्ट्रोक लगा हुआ है, कलर चेंज करता हूं, एक और स्ट्रोक लगाता हूं, कलर चेंज करता हूं, एक और स्ट्रोक लगाता हूं। अब आपने अगर अरेज करना हो, अरेजर मौजूद है, नाम है इसका बैकग्राउंड अरेजर, ठीक है। बैकग्राउंड अरेजर से करते क्या है कि आपका जो कलर है जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हो इस फ्रेम में से, इसको ऑफ करना चाह रहे हो, ये फोरग्राउंड होता है और ये बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो अरेज होगा, इससे अरेज द पिक्सल ऑफ सैंपल्ड कलर। मतलब क्या कि आपने सैंपल कलर बता दो कौन सा मुझे इसमें से ब्लू माइनस करना है, रेड भी रहने दो, नहीं करना उसको कुछ भी, हालांकि एक ही लेयर पे है। सिंपल अगर इरेजर यूज करता हूं सब कुछ अरेज हो जाएगा, सीधी सी बात है, इसे सब कुछ अरेज कर देना है, इसने ये ख्याल ही नहीं करना कि किस कलर को मैं अरेज बीच में से करना चाह रहा हूं। तो इसका नाम क्या है, नाम से जाहिर है, इसमें एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लेयर के ऊपर हम कलर चले वाइट ही रख देते हैं। अब ये देखिएगा, अब मैं जब इसमें से अरेज करूंगा किस कलर को अरेज करना है, जो बैकग्राउंड कलर है, नाम ही इसका क्या है जी, ऑप्शन का नाम है बैकग्राउंड अरेजर। इस पे क्लिक करते ही आपके पास ये ऑप्शंस ऊपर आ जाती हैं, ये देख रहे हो ऊपर मेन्यू के साथ, ये वाली कंटिग्यूस है और नॉन कंटिग्यूस है और फाइल एजेस है, टॉलरेंस लेवल यहाँ पे और एंगल जिस एंगल पे आप अरेज करना चाह रहे हो। अब ये देखिएगा, इसमें बाय डिफॉल्ट हम अगर सैंपलिंग करना चाह रहे हैं, सैंपलिंग वंस करना चाह रहे हैं, तो सैंपलिंग वंस ये ऑप्शन होती है, सेंटर में होती है। और सैंपलिंग वंस करता क्या है कि आप यहां से टारगेट करते हो उस कलर को जिसको खत्म करना है, ये कलर करना है, ये कलर करना है, ये कलर करना है, जिसको आपने टारगेट करना है वो ऑल्ट के साथ कर लो, पिक कर लो, ये पिक हो गया, अरेजर आपने यूज किया हुआ है, ये अरेज करना है। तो अरेजर क्या करता है, आपके इमेज में से वो पार्ट जो आप इसमें सेंटर पॉइंट को आपने क्लिक पे लेके जाना है, ठीक है, सेंटर पॉइंट। तो कितनी खूबसूरती से विदाउट डिस्टर्बिंग एनीथिंग वो कलर बीच में से निकल गया, देख रहे हो। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई इस तरह का इमेज बना हो जिसमें से आपको कोई बैकग्राउंड जो साइज उसका कलर है वो आपको रिमूव करना हो, वेरी इजी वे टू रिमूव दैट कलर विदाउट डिस्टर्बिंग अनदर कलर्स। तो आपको सैंपल करना है, यहां से आपने ऑल्ट के साथ क्लिक करने के बाद आपने उसको इजीली यहां से रिमूव कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग एनी थिंग। तो ये अरेजर है, अरेज करता है और आपका जो कलर आपका ऑन है उसको, जो आपने सेलेक्ट किया है, सैंपलिंग की है, उस कलर को अरेज कर देता है। एक कंटिग्यूस होता है, एक नॉन कंटिग्यूस भी होता है।
नॉन कंडिकुअस का मतलब क्या कि ये सेम कलर आपका कहीं और पे भी आपने स्ट्रोक लगाए हुए हैं इसके, जरूरी नहीं इधर आपने सेम ये वाला कलर अप्लाई किया हुआ है किसी और जगह पे भी, तो नॉन कंटिन्यूअस। ये देखो ये कलर मैंने ब्रश का स्ट्रोक दोबारा से ये लगा देता हूँ, यहाँ भी लगा देता हूँ, और आपने जो कलर इसमें से माइनस करना है पूरे फ्रेम में से वो कौन सा करना है, वो आपने यहाँ से क्लिक करना है बैकग्राउंड इरेजर, और इसमें सैंपल वांस के लिए आपने ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। कलर में अगर थोड़ी सी वेरिएशन हो, लाइट है, एक लाइट ब्लू हो सकता है, एक डार्क ब्लू हो सकता है, एक जेट ब्लू हो सकता है, तो ये कलर्स अगर आपके इस लेवल के डिफरेंट कलर्स की जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी हाई या लो हैं तो आप इसकी टॉलरेंस बढ़ा दो। ये टॉलरेंस है, टॉलरेंस बढ़ाने से फायदा ये होता है कि अगर आपके डिफरेंट शेड्स भी हों तो उसको ईजिली आप रिमूव कर सकते हो। हाँ, अगर टॉलरेंस 1% कर दोगे तो एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे आपने क्लिक किया है इसके साथ अगर मैच करता होगा कलर तो अरेज, वेरी सिंपल। टॉलरेंस आपने तब आपने बढ़ानी है जब आपके पास कलर्स की वेरिएशंस हैं, लाइट से डार्क की तरफ वेरिएशन है, ये डार्क से लाइट की तरफ वेरिएशन है, तो जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे उस कलर के साथ मैचिंग सेम करना है, एग्जैक्टली मैच करवाना है, टॉलरेंस 1 रख दे। लेकिन आप चाह रहे हो थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाए कि ठीक है लाइट ब्लू भी होता है, थोड़ा सा उससे ब्राइट ब्लू भी होता है, डार्क ब्लू भी होता है, तो क्या उन सबको हिट करें, तमाम को अरेज करें, और दूसरी बात क्या कंटिगुअस उसकी प्रेजेंस है या नॉन कंटिगुअस, जिसे बोलते हैं डिसकंटिगुअस। डिस्टिंग्विश का मतलब ये मैं इधर इसको सैंपल करता हूँ, ये कलर की प्रेजेंस अगर थोड़ी सी बीच में सेपरेटर के तौर पर रेड भी है या ग्रीन है तो इसको भी अरेज करने चले जाएगा, कोई इशू नहीं उसको इसमें। ये लो, अब मैंने चूंकि डिस्टकंटिगुअस किया हुआ है, और 1% का मतलब ये हुआ कि कोई भी मार्जिन नहीं है, रेंज नहीं है, सिमिलर कलर की प्रेजेंट अगर होगी तो जरूर रेज करेगा। इत्तफाक से ये तीनों कलर एक जैसे ही है, अगर ये थोड़ी सी वेरिएशन होती तो टॉलरेंस थोड़ा सा मुझे हाई करना पड़ता। ये देख रहे हो सिर्फ वो कलर जा रहा है उस पूरे फ्रेम में से जो मैच कर रहा है, बाकी किसी कलर को डिस्टर्ब नहीं किया, गो के लेयर भी एक ही है, एक ही लेयर पे पड़ा हुआ था डेटा, ठीक है। तो ये मैंने जो आपको यहाँ पे एग्जांपल बताई है ये किसी इमेज के ऊपर भी आप परफॉर्म करके देख लेते, जरूरी नहीं है कि ब्रश लगाए हुए हैं तो इसी के ऊपर चलेगा, कोई भी इमेज है जिसमें से कोई कलर अगर आप समझते हो कि ये कलर को रिप्लेस करना है या इस कलर को यहाँ से रिमूव करना है तो आप इस ऑप्शन की तरफ जाना है जिसका नाम है बैकग्राउंड अरेजर टूल, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टीज हैं, इसके साथ आप इसको बड़े अच्छे तरीके से रिमूव कर सकते हो अपने पूरे कैनवस में से जो कैनवस के ऊपर मौजूद है। जहां तक मैजिक इरेजर है ये बहुत कम यूज करते हैं, इसका फंक्शन वहीं पे समझ आता है जब पिक्सल्स की वैल्यू सेम हो, तब इसका मैजिक समझ आता है। जैसे स्काई हो गया, अगर आपको एक ही गो में सारे गो माइनस करना है कर सकते हो। मिसाल के तौर पर इसके एग्जाम्पल समझाने के लिए चलेंगे ले लेते हैं। अब ये आपके पास इमेज है, बैकग्राउंड में मैं पहले से कुछ डेटा यहां रख देता हूं, ये ले जी ब्लू फ्रेम बिलो लेयर पे। अगर मुझे इसमें से सबसे पहले अगेन लेयर को सिलेक्ट करना जरूरी होता है जहां से पिक्सल्स को आपने अरेज करना है, मैजिक अरेजर पे जैसे आप क्लिक करते हो इसमें भी टॉलरेंस होती है, ये टॉलरेंस इसमें भी होती है, और आप अगर चाहो इससे अबव लेयर पे भी काम कर सकते हो, जरूरी इस लेयर पे आपने काम करना है, बाद अवकात आपकी 2-3 लेयर्स होती हैं उनमें से आपको रिक्वायर्ड होता है अरेज करना, आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक और चले स्काई ले आते हैं, इसको भी इसमें एडजस्ट करते हैं, अब स्टूडेंट्स इसमें गौर कीजिएगा, आपकी टोटल लेयर्स हैं 3, बिलो इज योर ब्लू,
उसके ऊपर एक इमेज है, उसके ऊपर एक और इमेज है, ठीक है। मैं एक और नई लेयर बना देता हूँ टॉप पे। अगर मैं इन दोनों लेयर्स में से आपके पिक्सल्स को, जो स्काई वाले पिक्सल्स हैं, इनको अगर आपने रिमूव करना है, कर सकते हैं। यहाँ पे चले जाओ मैजिक इरेजर। मैजिक इरेजर में आपके इस लेयर पे कुछ नहीं है, इसके बिलो लेयर और उसके भी नीचे वाली लेयर पे पिक्सल मौजूद है, इमेज मौजूद है। अब ये कैसे होगा, आपने यहां पे जाना है, ये क्या लिखा हुआ है, यूज मर्ज डेटा टू डिटरमिन एरिया टू अरेज। ये आपने ऑफ नहीं करना, इसको ऑन कर देना। ये ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया, ऑन कर देना और टॉलरेंस आप अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर लेना। टॉलरेंस का मतलब है, अब आपके ब्लू शेड तो दोनों में है, एक में लाइट है, एक में थोड़ा डार्क है, ठीक है। टॉलरेंस आपने हाई की हुई है और यहाँ पे आप अगर इसको अरेज करते हो यहां से, ऑन है, हाँ कहाँ पे हूँ मैं, लेयर पे हूँ ना, ऊपर वाली। ये अब आपको बिलो लेयर, यूज मर्ज डेटा टू डिटरमिन एरिया टू ईज, मर्ज डेटा। अच्छा ये रो, अच्छा इसका भी रोल देख लेते हैं एक सेकंड। ये देखो एक ही गो में क्लिक खत्म, क्लिक लेयर को सिलेक्ट कर लेना। टॉलरेंस इसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं तो इसको थोड़ा सा हाई कर दो, ठीक है। आप अगर समझते हो कि यार ये जो क्लाउड है इसमें कहीं डार्क पिक्सल्स हैं, ये देखो कहीं डार्क हैं, कहीं लाइट हैं, इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, टॉलरेंस थोड़ी सी हाई कर दो। ये आमतौर पर आपने यूज करने के लिए आपने तब जाना है जब आप, वैसे तो इसको सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते थे, आसान तरीका, और भी आपके पास बेतहाशा ऑप्शंस हैं जिससे आप इसको जो इसका पार्ट है स्काई का या सिमिलर पिक्सल का आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैजिक बैंड तब आपने यूज करना है जब सिमिलैरिटी पिक्सल्स की बहुत ज्यादा हो और आप एक ही गो में उनको रिमूव करना चाहो। टॉलरेंस अगर आप हाई कर लोगे तो आपको थोड़ा सा एज ये मिल जाएगा कि उससे सिमिलर काइंड ऑफ पिक्सल जो उस फ्रेम में मौजूद हैं उनको एक ही गो में क्लिक करने से निकाल देगा, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा इसको इस तरह रिमूव करते वक्त आपने अप्लाई करना है, तो इस तरह आपके वो पिक्सल वहां से रिमूव हो जाते हैं, उस फ्रेम में से वो पिक्सल खत्म हो जाते हैं। तो ये अरेज करने का एक तरीका है, अगर आप समझते हो, आप इसमें कंफर्टेबल हो, इसके साथ चले जाओ। ये वैसे हम करते बहुत कम यूज हैं क्योंकि इसके अलावा हमारे पास बेशक तो हाँ अच्छा इसके अलावा ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप अगर अपने पिक्सल जो इस करंट फ्रेम के अंदर लोडेड है उनको अगर आपने अरेज करना हो तो अरेज करने का तरीका हमारे पास बेशुमार है। आप सिलेक्शंस करके वो कर सकते हो, सारा कुछ आप मास्क के थ्रू कर सकते हो, वो भी बेशुमार तरीके हैं। मैजिक अरेजर अरेज करता है सिमिलैरिटी जहां पे हो कलर्ड एरिया विद ए सिंगल क्लिक, लिखा हुआ नीचे नजर आ रहा है, अरेज इज सिमिलरली कलर्ड एरिया विद ए सिंगल क्लिक। या अगर यूज करना हो आप कर सकते हो, जैसे ये है। अब इसमें भी बहुत वेरिएशन है, टॉलरेंस बढ़ा लो फिर, तो उस क्लिक के ऊपर, सिंगल क्लिक के ऊपर उन पिक्सल्स को वहां से खत्म कर देता है। तो ये जी ऑल अबाउट अरेजर, बैकग्राउंड अरेजर एंड मैजिक अरेजर। आप इनमें से जो भी ऑप्शन यूज करना चाहो, मकसद एक ही होता है, आपके करंट जो फ्रेम होता है उसके पिक्सल्स को वहां से रिमूव कर देता है। अच्छा जी जनाब, अब अगला काम करते हैं, छोटी छोटी ऑप्शंस हैं। ये आपके पास एक इमेज, अब मैं जरा आपको एक तो इसका हिस्ट्री, आर्ट, ये आपके पास टूल्स हैं, हिस्ट्री ब्रश टूल और एक है हिस्ट्री आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, दो टूल्स हैं, इनको जरा इस्तेमाल करके देखते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है और इसको हम क्यों यूज करते हैं। चलिए कोई इमेज ओपन कर लेते हैं,
एक इमेज है, ठीक है, और इसको मैं यहां पे ब्रशेज के थ्रू कोई डिजाइन इसमें क्रिएट करता हूं, ब्रशेज के स्ट्रोक से। डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस, अगर आप कहो कि ये जो मैंने अभी एक्शन किया है इसको रिवर्स करना है, एक तो अंडू कर दो, दूसरा आप हिस्ट्री को कॉल कर लो, साइज बड़ा कर लो जरा ब्रश का, हिस्ट्री ब्रश का, और जो चीज नहीं चाहिए उसको यहां से रिमूव कर दो। पिन लाइट है, अच्छा डार्क नहीं, एक सेकेंड, यहां से ना आप ब्रश की हार्डनेस को बढ़ा दो, साइज आप यहां से बढ़ा सकते हो, और यहां पे आपने नॉर्मल मोड इसका ऑन कर देना है, और ये देखो कुछ नहीं हो रहा सिवाय इसके कि जो आपने ब्रशेस के स्ट्रोक लगाए हैं, अगर आपको ये रिवर्स करने हो तो आप इसको कुछ करने हैं कुछ नहीं करने, जरूरी नहीं कि सारे करने हैं, कुछ है आपने स्ट्रोक सही लगे हैं वो रहने दो, जो स्ट्रोक नहीं सही लगे उसको रिवर्स कर, दोबारा देखो। अभी आपने डिजाइन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए ब्रशेस, अब आपने अरेज क्या करना है, हिस्ट्री ब्रश से आप ये इजिली अरेज कर सकते हो, ये है जी हिस्ट्री, हिस्ट्री ब्रश को आपने एक्टिवेट करना है, ऊपर तरह से देख लेना आप कि क्या आपने हिस्ट्री ब्रश को यूज करना है नॉर्मल मोड में, ओपेसिटी कितनी रखनी है, उसका फ्लो कितना रखना है, ये आप यहाँ पे पहले ऑन कर देना, ठीक है, उसके बाद आप जो एरिया इसमें से आपको नहीं रिक्वायर्ड उसके ऊपर आप इसको, कुछ भी नहीं कर रहा इमेज को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ना कि ये पिक्सल्स जो आपके ब्रशेस के साथ इसी लेयर के ऊपर मौजूद है, ये कोई ये नहीं था अलग लेयर पे है, इसी लेयर पे मौजूद है, लेकिन हिस्ट्री क्या करता है कि इसकी जो हिस्ट्री जो स्टेट्स मेंटेन है वहां से कॉल करता है, और उसको कनेक्ट करने के बाद जो आपने ब्रशेस के स्ट्रोक लगाए होते हैं जो चीज नहीं चाहिए वो खत्म करता है। अब ये अंडू वंडू कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, अंडू तो आपको स्टेप बाय स्टेप पीछे लेकर जाता है, आप उसमें से किसी खास स्टेट को वहां से खत्म करना चाह रहे हो तो हो रही है, जबकि अंडू क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसमें सारे भी जा सकते हैं लेकिन मुझे सिर्फ उसमें से एक आध एक्शन जो है वो मुझे रिमूव करना है, तो आप फिर उसमें बजाय अंडूज की तरह काम करने के अप्लाई करने के हिस्ट्री के थ्रू का, हिस्ट्री और अंडूज में फर्क है, अंडू आपको स्टेप बाय स्टेप पीछे लेके जाता है, हो सकता है एक दो लेवल ऐसे हैं जो एक्शन जो आपने परफॉर्म किए हैं उनको आपने अंडू नहीं करना था, तो वो कैसे होगा, वो फिर इसी तरह होगा कि आपके पास ये टूल होगा, और ये टूल से अब फायदा ये होता है कि जरूरी नहीं है कि वो जो स्ट्रोक में से कुछ आपने पूरे को माइनस करना है, आपने सिर्फ इतना करना है, आपने सिर्फ ये करना है, बाकी आपने इसी तरह रखना है, तो ये आपको हिस्ट्री ब्रश से हो जाता है। इसके अलावा आपको काफी डिफिकल्टी होगी अगर इसके अलावा कोई टूल यूज करोगे, ब्रशेस के ऊपर अप्लाई होता है, और हिस्ट्री ब्रश नाम से जाहिर है ब्रशेस की जो स्ट्रोक वैल्यूज हैं स्टेट्स होती हैं जो कि हिस्ट्री स्टेट्स में पड़ी हुई है, वहां पे उन वैल्यूज को पिक करता है, और जब आप हिट करते हो जिस एरिया के ऊपर वहां पे देखता है ये ब्रश का स्ट्रोक लगा हुआ है, इस स्ट्रोक के अंदर जो उसके कॉम्पोनेंट हैं एलिमेंट्स हैं पिक्सल्स हैं उनको वहां से रिमूव कर देता है, हिस्ट्री ब्रश ये आप यूज कर सकते हो, ये आपका अंडू से एक अलग लेवल है जिसमें आप हिस्ट्री के थ्रू आप जिस ब्रश के स्ट्रोक को माइनस करना चाहो वो आप यहां से वापस आके माइनस कर सकते हो। जहां तक बात है आर्ट हिस्ट्री ब्रश का, इसको कब यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं, इस पर अगर आप क्लिक करो इसमें इसकी रेलेवेंट ऑप्शन आ जाती हैं, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो ये है, ये आर्ट ब्रश में आती है, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल करता क्या है, स्टेट सेंस की ये सिमिलर है टाइप
शॉर्ट, टाइट मीडियम, टाइट लॉन्ग, लूज मीडियम, लूज लॉन्ग, फिर आगे डैब अलग से एक ऑप्शन है, फिर कर्ल, टाइट लॉन्ग लूज एंड लूज कर्ल लॉन्ग। अब इनमें फर्क है। डैबिंग, डैबिंग आप कब यूज करते हो? जब कभी आपने अपने ऑब्जेक्ट में से कुछ हिस्से को डैब करना हो, मींस दैट कोई इमेज ओपन करते हैं उसमें डैबिंग करते हैं। ये जी आपका टूल, टूल का नाम है आर्ट हिस्ट्री ब्रश। हिस्ट्री भी जाते हैं जरा, ठीक है। ये आपका जो फ्रेम था, जो एक्चुअल आपके पिक्सल्स हैं वो ये हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ओपन किया, एक नई लेयर बनाई, उस पर आर्ट हिस्ट्री ब्रश को आपने एक्टिवेट किया है, ठीक है। ये आपने किया अभी तक, और लेयर पैनल को भी साथ में अनलॉक कर दो इसको पहले। स्ट्रोक लगा लेते हैं इधर। अब डैबिंग क्या करता है? नहीं जी, आर्ट हिस्ट्री ब्रश, टॉलरेंस, एंगल, डैबिंग, ओपेसिटी, हार्डनेस, सॉरी अब लेयर सेलेक्ट कर लेना पहले, ये लेयर है, ठीक है, ये डैबिंग है, ये डैबिंग है, ये डैबिंग है। फेस नहीं दिखाना आपने, डैब करना, कर सकते हैं। तो ये आपको क्या करता है कि आप कोई भी जो आपके पास इमेज के अंदर आप कुछ ऐसा ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है जिसको आपने नहीं दिखाना, तो डैप कर दो। वेरी इजी वे टू डू, आपने जस्ट फ्रेम को क्लिक करो और उसमें जिस पॉइंट को आप डैप करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। अब ये डोर है, आप इसको डैप करना चाह रहे हो, आप मॉडल के ऊपर प्रेजेंस इसकी शो करना चाह रहे हो, लोग को दिखाना चाह रहे हो, बाकी आप सारा डैप करना चाह रहे हो, डैप कर दो, क्लिक करो। ये टूल है और यहां पे आके आप डैबिंग का एक्शन इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। और अगर इसका आप टॉलरेंस हाई कर दोगे और एरिया इसका इंक्रीज कर दोगे तो आप उस हिसाब से, ये देख रहे हो साइज बड़ा हो रहा है, पिक्सल में है ना। डैप का साइज कितना रखना है ये आपको यहां पे, आप नॉर्मल व्यू में जाओगे अगर ओपेसिटी आपने कम करनी है कम कर दो, इससे यह डैबिंग होगी लेकिन लो वैल्यू उसके साथ डैब आपको करता नजर आएगा। टॉलरेंस आप इसकी अपनी जरूरत के मुताबिक, ये देख रहे हो डैबिंग,
If you want to dab this one, ये देख रहे हो बाद अगर कोई कोई आपके पास ऐसा इमेज आ जाता है जिसमें कोई नंबरिंग है, कोई शॉप का नाम लिखा हुआ है, बैकग्राउंड में कोई आपका नंबर प्लेट है कार का, उसको आप डैब करना चाह रहे हो, डैब कर सकते हो। और अगर आप इससे काम नहीं चलता, आप एक और काम कर सकते हो। इसके अंदर एक और ऑप्शन होती है, बल्कि ऑप्शन दो और है। एक होता है टाइट शॉट, इस पर अगर आप क्लिक करोगे ये क्या करता है, ये देखो पिक्सल्स को टाइट के अलावा मीडियम भी कर सकते हो। मकसद एक ही है कि आप अपने पिक्सल्स की विजिबिलिटी को नहीं दिखाना चाह रहे, उसकी विजिबिलिटी को शो नहीं करना चाह रहे। डैबिंग कर लो आप, इसमें टाइट स्पाइरल्स हैं वो बना लो, ये काफ़ी सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं, इनमें से जो चीज़ आप चाह रहे हो इस पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मिसाल के तौर पे चलिए ले लेते हैं, ये कार यहाँ पे नजर आ रही है, आप चाह रहे हो कि कार को मैं डैप कर दूं, या टाइट शॉट्स कर दूं, या टाइट शॉट्स नहीं बल्कि इसको मीडियम कर दूं। मीडियम में थोड़ी सी रेंज बढ़ जाती है, टाइट में जरा लो वैल्यू होती है, मीडियम में थोड़ी सी हाई, और लॉन्ग में और ज्यादा। ये देखो साइज आप यहां से प्रेजेंस देख रहे हो, डैप करने के लिए टाइट स्क्वेरियल है ये, इसका नाम है जी टाइट लॉन्ग। अंडू करता हूं दोबारा से, देखो या आप अपने उस पार्ट ऑफ द इमेज जिसके ऊपर आप ये अप्लाई करना चाहो ये की जा सकती है। इसके अलावा आपके टाइट कर्ल्स भी होती है, कर्ल्स बनाता है, कर्ल्स भी देख लेते हैं, ये लो ये कर्ल्स बना देते हैं। बहुत अगर आप चाह रहे हो कि इसकी विजिबिलिटी इतनी, आपने इसको फोकस नहीं करना, ऑडियंस को नहीं दिखाना, ठीक है, तो आप इसको इस तरह डैप कर लो, आप टाइट मीडियम लॉन्ग आप ये ऑप्शन यूज कर लो, या कर्ल की ऑप्शन यूज कर लो, और लूज कर्ल काफी हद तक आपको ओपन जल्दी से आपको परफॉर्म करके आपको दिखा देगा। ये लो अंडू कर लेते हैं, टाइट के अलावा लॉन्ग भी होती हैं, लूज भी होती हैं, ये लो बड़ी बड़ी कर्ल्स आपको दिखा देता है। मतलब ऑब्जेक्ट की असल जो वैल्यूज हैं वो लूज कर जाते हो, पता ही नहीं लग रहा है क्या, आप नहीं दिखाना चाह रहे, आप इस ऑप्शन को यूज करते हुए आप सारी इमेज में से उसको ऑफ कर सकते हो, मौजूद है लेकिन उसकी पिक्सल की वैल्यू डिस्टर्ब कर दी गई है। अगर आपने इसको अप्लाई करना हो तो बिल्कुल किया जा सकता है जी। क्या क्या रिपीट कर दूं लाइव, जरा पूरा उसका वो लिख दीजिएगा ताकि मैं उस हिसाब से समझ पाऊं। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी इमेज हो और उसको अगर आप चाहो तो आप बड़े अच्छे तरीके से उसमें से आप उसकी विजिबिलिटी को ऑफ कर सकते हैं। ये है जी लूज कर्ल्स, इतनी सी बात है, आप इमेज के अंदर उसको अप्लाई कर दो। अच्छा बैकग्राउंड लेजर, ठीक है अभी कर देता हूं। एनी पिक्चर्स जो आपके पास अवेलेबल हैं उस पर अगर आपको इस ऑप्शन की जरूरत पड़े, और बाज़कत पड़ती भी है, अब पड़ती है तो उसको आप फिर इस तरह अप्लाई करके दिखा सकते हो। ठीक है जी, ये जी आपका एक और छोटा सा काम, जैसे कल मैंने एक इमेज लोड किया था और उसमें आप चाह रहे हो कि उसकी प्रेजेंस को, सराउंडिंग की प्रेजेंस को नहीं दिखाना या उसी को नहीं दिखाना, पॉसिबल है। ये लो सराउंडिंग की अगर आप चाह रहे हो कि जस्ट मॉडल इज ओके और बाकी जो है लूज कर्ल्स के साथ उसको हम अप्लाई कर दें, ये लो समझ रहे हैं।
ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, असल में ये पिक्सल्स के ऊपर अप्लाई होती हैं और पिक्सल की जो कलर्स हैं उनको पिक करता है और उस तरह का वहां पे आपको ब्लेंड करके पिक्सल्स को डिस्टॉर्ट कर देता है। डिस्टॉर्ट करने के बाद लाजिम आता है उसकी एक्चुअल वैल्यूज आपको शो नहीं होंगी, उनको आप देख नहीं पाओगे कि है क्या, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था क्या। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन मौजूद है, अगर आप इसको करना चाहो अप्लाई तो की जा सकती है। और अगर इसको एक और काम करके देख लेते हैं, आप बाकी इसकी सब ऑप्शंस भी हैं, आप इसकी ओपेसिटी लो कर दो, अब भी कर रहा है लेकिन उस सॉलिड वैल्यूज के साथ नहीं कर रहा जो अवेलेबल थी। ठीक है, अभी दिखा रहा है लेकिन ओपेसिटी आपने लो रखी हुई है। और अगर इसको आप कहते हो कि मुझे नॉर्मल की बजाय डिजॉल्व इफेक्ट चाहिए, ये डिजॉल्व दे देगा। अगर आप कहते हो नॉर्मल की बजाय डिजॉल्व की बजाय मैं लाइटन देना चाह रहा हूं, करेगा पिक्सल्स को डिस्टर्ब। सीधी सी बात है, वो लाइट मोड में कर लो, वो हार्ड मोड में कर लो, वो नॉर्मल कर लो, वो डिजॉल्व कर लो। और अगर आप इसके साथ ओपेसिटी को भी कंट्रोल कर लो तो आप अपनी मर्जी के रिजल्ट्स इसके ऊपर ले सकते हो। ये पिक्सल्स के साथ जो बैकग्राउंड में होते हैं उसको मिक्स एंड मैच करके कर्ल्स बना देता है और आपकी एक्चुअल ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी को ऑफ कर देता है। ठीक है, तो ये आप इसको भी अप्लाई करके देखिएगा, तो इससे आप क्या क्या काम कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया। दिस इज ऑल अबाउट आपकी हिस्ट्री एंड आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। अब छोटे छोटे दो तीन टूल्स और हैं, मैं चाह रहा था इसको आज मैं आपको करवा दूं। वेरी सिंपल टूल्स ये मौजूद हैं। और अच्छा, बैकग्राउंड रेजर के बारे में अभी एक स्टूडेंट पूछ रही है कि बैकग्राउंड रेजर क्या करता है। मैं ये सिंपल वे में ये बताया था कि आपने कुछ स्ट्रोक्स लगाए हैं, ठीक है जी, ये कुछ स्ट्रोक्स लगाए हैं डिफरेंट कलर्स के हैं और आप इसको यहाँ पे अप्लाई किए हैं स्ट्रोक्स। अब आपने कल को आपने दोबारा से ये इमेज लोड किया, करने के बाद अगर आपको कहा जाए इसमें से मुझे ब्लू शेड को माइनस करना है, ब्लू शेड को माइनस करना है, अरेज करना है, तो ब्लू शेड को अगर आपने माइनस करना है तो आपको बैकग्राउंड अरेजर की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। करने का और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन ये क्या करता है कि आपने बैकग्राउंड अरेजर पर क्लिक करना है और यहाँ पे आके ब्रश का साइज सेट कर लेना है। और साइज सेट करने के बाद उस कलर को आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसको कंटिगुअस इसलिए कि बीच में आपका सेपरेटर इंट्रोड्यूस हुआ है ग्रीन। ग्रीन आपके कलर्स को सेपरेट कर रहा है, बाउंड्रीज को अलग अलग कर रहा है। तो आप इसको ऑल्ट के साथ क्लिक कर दोगे, ये सेलेक्ट हो गया। करने के बाद अरेजर आपने ऑन किया हुआ है तो ये आपके पिक्सल्स को अरेज कर देगा। ये लो जी, पिक्सल्स को अरेज कर देगा। और चूंकि आपका इसी फ्रेम में है इसलिए आपका ओरिजिनल पिक्सल्स भी जो इस रेंज में आए वो खत्म हो गए। बेहतर था इसको ऊपर वाली लेयर पे काम करते ताकि ओरिजिनल इमेज डिस्टर्ब ना होता। ये करते वक्त आपने एहतियात करनी है कि आप अगर इस तरह के एक्शन करते हैं तो आपका ओरिजिनल इमेज के जो पिक्सल्स हैं, चूंकि उसके ऊपर एक स्ट्रोक लगाया था कलर का, तो वो लाजमत है जब आप उसको डिलीट करोगे तो उसके ओरिजिनल इमेज भी वहां से पिक्सल्स खत्म हो रहे हैं। तो इसका बेहतर तरीका ये होता है स्टूडेंट्स के एक नई लेयर बनाओ, उस पर स्ट्रोक्स के साथ अपना काम कर लो और बैकग्राउंड रेजर से जो चीज अरेज करना चाहो आप अरेज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये क्या करें वाला, ये कलर है, ये खत्म करना है। ठीक है, इस कलर को आप पहले क्लिक करके सेलेक्ट कर लो, उसके बाद ये लो। और ये चूंकि टॉलरेंस बिल्कुल जीरो है मुनासिब से कर दो, इतनी मीनिंग के बाकी कलर भी खत्म हो जाए। अभी किसी का बूट शूट भी यहां पे विजिबल है, ठीक है, तो आपने जब इस पे क्लिक किया
ऑल्ट के साथ क्लिक कर दिया, आप अरेज कर रहे हो, ये लो आपने इतनी ज्यादा उसकी वो कर दी है टॉलरेंस कि बाकी कलर्स भी उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉलरेंस थोड़ी सी लो ही रखनी है कलर के साथ, जो मिक्स हो जाएगी आपको उसके क्लोज क्लोज कलर्स की वहां पे सिलेक्शन हो जाए। तो एक अच्छी आपके पास ऑप्शन है जिससे आप उस कलर को माइनस कर सकते हो। देख रहे हो ब्लैक कलर को हिट नहीं किया उसने, हालांकि वही मौजूद है, सिर्फ उन कलर्स को माइनस कर रहा है जो मैच कर रहे हैं आपके सैंपल के साथ। ये स्टिल ये आपका पिक्सल यहाँ पे विजिबल ही रहा, ठीक है। अच्छी ऑप्शन है, अगर आप इसको यूज करना चाहो तो की जा सकती है। तो ये बैकग्राउंड इरेजर की ये ऑप्शन ये काम करती है। ले जी, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन वेरी सिंपल, ये निहायत ही आसान से ऑप्शन है। ये छह की छह मैं आपको बताने लगा हूं, ब्लर, शार्पन, स्मज और साथ में ये डॉज, बर्न, स्पॉन्जिंग। ये आपके पास छह ऑप्शंस हैं दो टूल्स के अंदर। ब्लर नाम से जाहिर है ब्लर कर देता है, बाद आपके पास ऐसे इमेजेस होते हैं जिसमें आप कुछ एरिया को ब्लर करना रिक्वायर्ड हो कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इमेज में हम ब्लर करते हैं, सैंपल ले लेते हैं कोई फाइल, ये एक मॉडल है। इसमें अगर आप गौर करो बैकग्राउंड में ये शॉप का नाम भी विजिबल है, कुछ वैल्यूज आपको यहाँ पे विजिबिलिटी इसकी क्लियर है। आप चाह रहे इमेज तो कैप्चर हो गया, मैं खाम हुआ इसकी मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट क्यों करूं, ये इसको ब्लर क्यों ना कर दिया जाए, मॉडल के ऊपर फोकस हो, बाकी आपके जो रिमेनिंग पार्ट है इसको ब्लर कर दिया जाए, कर सकते हो। ब्लर करने का तरीका क्या होता है, एक काम करते हैं इसका सेम डुप्लीकेट बना लेते हैं। डुप्लीकेट के ऊपर ब्लर मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। आपने इस मॉडल को सिलेक्ट करना है और अगर जिस एरिया को आपने ब्लर करना है, जिस एरिया को ब्लर करना है मिसाल के तौर पर ये, उस पर आप ब्लर की ऑप्शन को अप्लाई कर दो। जिस तरह ये आपको दिख भी रहा है ना, विंग है पिजन का, उसको ब्लर कर रहा है, फेदर्स उसके, उसको ब्लर कर रहा है, सेम यही काम इसका है। इस टूल को आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये आपको अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। इसको साइज बड़ा छोटा करने के लिए अगेन ब्रेसेस यूज होती हैं, ब्रैकेट्स से बोलते हैं। ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, बड़ा सा हो रहा है साइज, और ये आपकी ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपन से छोटा होता है ये, इसी तरह जैसा ब्रश का होता है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने इसको हार्ड और सॉफ्ट करना है। ब्लर कैसा करना चाह रहे हो, हार्ड और सॉफ्ट, ठीक है। स्ट्रेंथ कितनी रखनी है, ज्यादा ब्लर करना है, स्ट्रेंथ इसकी हाई कर दो। और ये आप अगर अबव लेयर पे करना चाह रहे हो, ये टैबलेट के लिए होता है, ये अबव लेयर पे आप अप्लाई करना चाह रहे हो कर सकते हो। ये देखो न्यू लेयर पे चलते हैं, अगर आप इसको नहीं भी रखते कोई मसला नहीं, मैं डिलीट ही कर देता इसको, ये लो मैं अबव लेयर के ऊपर ब्लर के इफेक्ट्स लगा सकता हूं। लेकिन आपने ब्लर का टूल ऑन करने के बाद इसको क्लिक कर देना, अब आप इसको ब्लर कर दो, ये लो। कुछ नंबर विजिबल है, ये लो। स्ट्रेंथ मैंने बहुत अच्छी कर दी है, बिहेवियर नॉर्मल है और लोअर लेयर के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अबव लेयर के ऊपर आपने एक्टिवेट किया हुआ है लेयर को और बिलो पे अप्लाई हो रहा है। और इसका फायदा क्या होगा, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव अप्रोच हो गई, नहीं चाहिए ऑफ कर दो। ये एक्चुअल है, ये आफ्टर है, ये बिफोर है, ये आफ्टर है, फर्क साफ जाहिर है, ठीक है। तो ब्लर क्या करता है, आप अपने उस पार्ट को जो इमेज का आपके पास मौजूद है, इसको अगर आप ब्लर करना चाहो, ये पोल है, ये पोल को अगर आप ब्लर करना चाहो आप ब्लर कर सकते हो। साथ में ये पोस्टर लगे हुए हैं, इनको ब्लर करना हो आप ब्लर कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ ब्लरिंग राइट दिस पिक्सल इमेजेस ऑफ योर करंट लेयर, आप अबव लेयर पे काम करो। फायदा ये होगा कि अगर आपको ब्लर ने जो इसमें किया गया है आपको नहीं पसंद आता है, इसको खत्म कर दो।
या आफ्टर एंड बिफोर, पिक्सल्स की वैल्यूज को डिस्टर्ब कर देता है, ब्लर कर देता है। और बाद बात कुछ लोग फेसेस अपने जो हैं फोटो के अंदर वो नहीं दिखाना चाह रहे, आप अपने फीचर्स को नहीं दिखाना चाह रहे, आप उसको ब्लर कर दो। नो शहदुल्ला कल क्लास नहीं है, इंशाल्लाह हमारी अगली मीटिंग होगी मंडे को, और मंडे को इंशाल्लाह हमारा नया टूल ओपन होगा, कौन सा, इलस्ट्रेटर। बाकी अगर कुछ कॉल करना होगा, मुझे लग रहा है मुझे शायद एक सेशन ऑन करना पड़े, वो मैं आपको इंशाल्लाह उसके लिए थर्सडे को कॉल करूंगा, अगली थर्सडे। एक तो कल है ना, कल हमारे नए बैच का एक्सपेक्टेड है, नया बैच, तो आपको फिर मैं थर्सडे, अगली थर्सडे को मेरा ऑफ है, तो उस दिन मैं आपको कॉल कर लूंगा इंशाल्लाह। अगर मैं बिटवीन दिस थ्री डेज अगर आपको कवर करवा दूं तो बेहतर हो जाएगा आपके लिए, आपको आना नहीं पड़ेगा, वरना फिर थर्सडे को स्पेशल क्लास ऑन करनी पड़ेगी। कुछ मैंने फिल्टर्स आपको डिस्कस करने, कुछ और ऑप्शन डिस्कस करनी है, उसमें वो कर ली जाएंगी। और ये आपका टूल ब्लर का अगर आप इस्तेमाल करना चाहो, फॉर एग्जाम्पल ये पता नहीं इसने क्या कर रहा है, ब्लर करना है, आईज को ब्लर करना है, तो आपने यहां पे जो पार्ट ऑफ द सरफेस आप ब्लर करना चाहो आप कर सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो कि मेरा एक जो पार्ट है, सेगमेंट है, सिर्फ उसको ब्लर किया जाए, कर सकते हो, आप उसको सिलेक्ट कर लो, बेहतर है उसको सिलेक्ट कर लो, सिर्फ उस सिलेक्शन के ऊपर ब्लर के इफेक्ट्स लगेंगे। आफ्टर एंड बिफोर में आपको क्लियर नजर आ रहा है, ये बिफोर है या आफ्टर है, ये बिफोर है या आफ्टर है, इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी हिस्से को ब्लर करना चाहो आप इजिली इसको ब्लर कर सकते हो। ये टोटली गायब हो गया, पता नहीं है क्या, वैसे तो पहले भी नहीं दिख रहा था लेकिन अब बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, ठीक है जी। एक ऑप्शन है, अगर आप यूज करना चाहो आप कर सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो कि मेरा ये इमेज जो है इसके अलावा सराउंडिंग वाला ब्लर हो जाए, ये भी कर सकते हो, इसमें टूल भी मौजूद है ये काम करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो मॉडल है इसके सराउंडिंग की जो बिल्डिंग है बड़ी प्रोमिनेंट हो रही है, जिससे मॉडल से तवज्जो हमारी हट रही है, ठीक है, तो ये बिल्डिंग जो बैकग्राउंड में है इसको अगर ब्लर कर दो तो ताकि फोकस रहे उस मॉडल के ऊपर, तो ये आप काम दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये ब्लर जो मैंने आपको बताया इससे भी कर लो, या फिल्टर लगा दो, पहले तो इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सिलेक्शन आपको पता है, आप टूल मौजूद है, यहां से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो, और आपके लिए जो मैं काम छोड़ के जा रहा हूं वो ये कि ये ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, स्टार्ट में देने लगा हूं आपको, राइट क्लिक करो और सिलेक्ट इनवर्स कर दो, ठीक है। मॉडल इज एक्सक्लूडेड, मॉडल इसमें अब शामिल नहीं है, एक्टिव एरिया कौन सा है, सराउंडिंग वाला, और इसके ऊपर आपने फिल्टर लगाना है। ये काम जो आपका यहां से भी किया जा सकता है, ये सारी ऑप्शंस आपको फैसिलिटेट करेंगी, एक एक करके आपने इसको चेक करना। इसमें बस ये याद रखना, जिसके साथ थ्री डॉट्स लगे हुए हैं ये आगे आपको बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स, जहां पे आप इसके साथ प्रॉपर्टीज वगैरह इसकी सेट करोगे, बाकी जिसके साथ थ्री डॉट्स नहीं है वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, जैसे बॉक्स ब्लर, देख रहे हो बैकग्राउंड में क्या हुआ, बॉक्स ब्लर, रेडियस बढ़ाते जाओ, कुछ नजर नहीं आ रहा, सारे उसके पिक्सल्स को बॉक्स ब्लर ने हाइड कर दिया, ये 0% है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये आप यहां से आप फोकस करके इस पॉइंट को आप हाईलाइट करके यहां पे देख भी सकते हो इफेक्ट्स की क्या हुआ जनाब, ये किसी खास पार्ट को भी टेस्ट किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। करेगा अलबत्ता सारे पे, यहां पे आप जरा अपनी नीड का रिजल्ट देख सकते हो, फिल्टर है, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं कोई और, अगर आपने फिल्टर, मैं चाहूंगा ये सारे फिल्टर आपने एक्सप्लोर करने हैं, गॉशियन, ये लो ये गॉशियन ब्लर, ये आप पूरा फ्रेम यहां पे भी देख सकते हो,
ये थोड़ा जूम करके दिखा रहा है, यहां से आप इसको यहां से भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं। जूम से ये होगा कि आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाता है कि क्या क्या एप्लीकेशन क्या है इसकी। गॉशियन, जैसे ये सामने मैंने रखा हुआ है। ब्लर, रेडियस बढ़ा दो, देख रहे हो। डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ब्लर मकसद एक ही है, फोकस, किस चीज को आपने हाईलाइट करना है, कैंसर। तो ये आपके फिल्टर्स हैं, इनको आपने वन बाय वन लेंस ब्लर, यह पूरा एक डायलॉग बॉक्स, बिग बॉक्स सामने आ गया है, यहां से आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो। ब्लर, फोकल डिस्टेंस, फास्ट है, मोर एक्यूरेट है, सोर्स है, ट्रांसपेरेंसी, यहां से इसकी वैल्यूज आप चेंज करके इसको, अब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप यहीं से जाके इसको टेस्ट करके इसकी प्रीव्यू को चेक कर लेना, या बस चेकबॉक्स ऑन रखना ऐसे, बिफोर एंड आफ्टर देख रहे हो, चेंजेस नजर आ रही है कुछ, ये प्रीव्यू, ये लेंस ब्लर है, इसको आप मजीद इंक्रीज करके इनको टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो, देखो प्रॉपर्टीज हैं, इसको ना याद करना है आपने, जरूरत कोई नहीं है, सिलेक्शन मेरी ऑफ हो गई है क्या, ब्राइटनेस, अमाउंट, येलो, यहां से आपने एक एक प्रॉपर्टी को एड्रेस करना है, सिलेक्शन शायद मेरी ऑफ हो गई है क्योंकि ये सारों को कर रहा है, सिलेक्शन भी अप्लाई नहीं किया इसने, फिल्टर, ब्लर, मोशन, छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आपने कोई डिफिकल्टी इंशाल्लाह नहीं होगी आपको, ये आपको करंट फ्रेम पे भी दिख रहा है, इधर भी ये दिख रहा है, और ये आपको जो करंट वैल्यूज इसकी हैं, ये मोशन ब्लर है, ठीक है, मोशन ब्लर में जैसे स्पीड में नहीं गुजरती कोई चीज, तो मोशन ब्लर में आपको डिस्टॉर्शन नजर आती है पिक्सल की उस साइड के ऊपर, तो ये इसी तरह का मोशन ब्लर आपको पिक्चर के अंदर विजिबिलिटी आपकी पूरे फ्रेम में नहीं है, जो सिलेक्शन एरिया है उसमें नजर आ रही है मोशन ब्लर। इसको आप किस लेवल पे मोशन ब्लर को एक्टिवेट करना चाहे आपकी मर्जी है, बहुत ही आपकी जैसा फास्ट वैल्यूज क्रॉस करते हुए आपको नजर आती है ये मोशन ब्लर में, हाँ इसको आप मिनिमम लेवल की तरफ लेके जाओ, जितना आप चाह रहे हो मोशन ब्लर की प्रॉपर्टी एक्टिवेट करना आपकी मर्जी है, स्मूथ देखना है ये दिख रहा है, ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे ये मोशन ब्लर के इफेक्ट्स यहाँ पे नजर आने शुरू हो जाएंगे, मकसद वही है, एक ही है, ब्लर करना, कैंसिल कर देते। तो ये सारे फिल्टर्स हैं, इनको आप अप्लाई करके, रेडियल ब्लर है ये काइंड ऑफ रेडियल इफेक्ट्स दे देगा, और ये स्पिन और जोम की वैल्यूज से था आप यहाँ पे अमाउंट एक्टिवेट करके ये देखो बैकग्राउंड में क्या होता है, प्रीव्यू आपको क्या दिखाता है, प्रीव्यू इसमें बटन है, नो कोई मसला नहीं, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, ओके करने पे अप्लाई भी हो जाएगा, प्रोसेस हो रहा है, एक अच्छा है इफेक्ट, फिल्टर है, अगर आपको अपनी पिक्चर के ऊपर लगाना है, कोई भी इमेज पे लगाना है तो ये लगा सकते हो, तो ये अंडू कर देता हूँ फिलहाल। तो ये आपने जितने भी है ना, रेडियल होगा, शेप ब्लर भी है, ठीक है, यहां पे मजे की बात है, इसके अंदर आप ये इफेक्ट देख सकते हो, ये देखिएगा, अब ये देखिएगा, ये लीफ, ये क्लिक कर दिया, शेप आ गई, वो देखो प्रीव्यू में दिखना चाहिए, थोड़ा अपडेट कर रहा है, बस ये जो ब्लर के इफेक्ट्स यूज करने हैं ना, छोटी छोटी वैल्यूज के साथ करना, बहुत ज्यादा हाई वैल्यू ना ले लेना,
वरना वो प्रोसेस करते हुए टाइम लगता है, सिस्टम की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। अच्छा यहाँ तो प्रोसेसर हो, अच्छी रैम हो, तो इसको ज़रूर आपने क्लिक करके इसको अप्लाई करके देखना है। अदरवाइज ये छोटी छोटी वैल्यूज आपने इसमें करके देखनी है और ये आपका अल्टीमेटली ब्लर इफेक्ट आपके फ्रेम के अंदर वो विजिबल कर देगा क्लिक कर। वाइल्ड एनिमल ये भी है जी, इसके डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपको दिख रही हैं। ये अब यहाँ से आप जाना है और ये जाके आपने इसमें से जो आपको चाहिए उस इफेक्ट्स को यहाँ पे इसके अंदर आपको शेप वाइज वो दिखा देता है। कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में फंस गया है। ये फिल्टर है जनाब, इनको आपने वन बाय वन आपको वीकेंड के ऊपर थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर इसको अप्लाई करके देखिए। डिस्टॉर्ट भी इसी तरह है, ज़िगज़ैग यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, डिस्टॉर्शन होगी वो हो रही है, यहां से आप चेक कर सकते हो अमाउंट रिजेस, यहां से आप इंक्रीज करके देखना और इसको फ्रेम को आप थोड़ा सा वैल्यूज को यहां पे आप देख सकते हो। ये देखो ये रिजेस हैं और वो देख रहे हो बैकग्राउंड में क्या हुआ, ये रिजेस हैं, अप्स एंड डाउन्स, ज़िगज़ैग, डिस्टॉर्शन, अमाउंट हाई रखनी है ये लो, लो रखनी है ये लो, स्मूथ करना है ये लो, लेकिन इसमें रिजेस ऑन है, रिजेस को आप कम कर दो, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, लेकिन रिजेस जैसे बढ़ाओगे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे साल में रिजेस को ऑन करना, ये आपके इफेक्ट करंट ये इसके ऊपर रिपल के इफेक्ट है, पॉन्ड रिपल अराउंड सेंटर, ये करोगे तो ये कर देगा, आउट फ्रॉम सेंटर, ठीक है, ये छोटी छोटी ऑप्शन है आउट फ्रॉम सेंटर, ठीक है, ये आपको अप्लाई करते ही आपको नजर आएंगे इफेक्ट्स। ये फिल्टर्स हैं, इनको आप चेक कीजिएगा, रिपल, ज़िगज़ैग, वेव, ट्विरल, ये लो ट्विरल इफेक्ट, ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और चूंकि मैंने फ्रेम पूरा नहीं सिलेक्ट किया हुआ है, सिर्फ एक एरिया सिलेक्ट किया हुआ है, तो उस एरिया के ऊपर ये अप्लाई हो रहे हैं, ये देख, ये इफेक्ट है, छोटी छोटी ऑप्शन है, उम्मीद है आपको ये काम की ऑप्शन लगी होंगी, जरूरत पड़ने पे अगर आप इसको यूज करना चाहो, ये आपके फ्रेम को जैसे घुमा नहीं देते ट्विरल इफेक्ट, और सिर्फ उतने एरिए को जो एक्टिव है, अगर आप इस इमेज को भी करना चाह रहे थे उसको कर सकते थे, ये देख रहे लेफ्ट और राइट जैसे आप करना चाहते हैं, इसकी विजिबिलिटी आपको दिखा देता है, आप पे डिपेंड करता है क्या करना चाह रहे हो जनाब आप, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और कोई इसमें ऑप्शन रहेगी इसके साथ, शार्पन एंड स्मज लगे साथ साथ, मैं आप चाह रहा हूँ ये भी देख ही लो, इसको कर लेते हैं, आसान सी ऑप्शन है। शार्पन कब यूज करते हो, जब आप इमेज के अंदर पिक्सल्स को ब्राइट करना चाह रहे हो, शार्पन करना चाहते हो, ब्राइट करना चाह रहे हो, शार्पन, जैसे आईज है इस पर्सन की, इसको थोड़ा सा शार्प इफेक्ट के साथ, फेसेस के साथ शेड होते हैं, बाद का आप उसको अपने पिक्सल्स को आप ब्राइट करना चाह रहे हो, तो शार्पन ये काम करता है, ठीक है, साइज इसका जो मुनासिब से जो बड़ा कर दो। और ये देखो कंट्रोल जेड करता हूं, इसके ऊपर अगेन न्यू लेयर पे काम कर लो, बेहतर हो जाएगा, ताकि आपको बिफोर एंड आफ्टर का मैं फर्क दिखा सकूं। ये देखो ये बिफोर या आफ्टर, ये बिफोर या आफ्टर, शार्प करना चाह रहे हो इस एरिया को और साइज अपना तो आपको बढ़ाना चाह रहे हो, ये लो, बाद का आपको एजेस को थोड़ा सा शार्प शो करना पड़ता है, तो आप शार्प मतलब ब्राइट कर देता है पिक्सल्स को, क्या कर देता है, ब्राइट कर देता है, जो इस डायमीटर में आ जाते हैं उनके पिक्सल को ब्राइट कर देता है, लेकिन ये काम इतना भी नहीं करना कि पिक्सल्स की एक्चुअल वैल्यूज ही डिस्ट्रॉय हो जाए, जैसे ही मैं करने लगा, ये देखो
ब्राइट इतना कर दिया कि व्हाइट पिक्सल उसके विजिबल होने शुरू हो गए। इतना नहीं करना, जहां जरूरत है शार्प करने का ये बिफोर है और ये आफ्टर। जहां जरूरत है जरूर करो, लेकिन गैर जरूरी भी नहीं करना वरना ही होगा। शार्पन के अलावा एक ऑप्शन होती है स्मज की। स्मज क्या करता है, जिस तरह आपको एक इसके आइकन में भी दिख रहा होगा कि स्मज क्या करता है, दो कलर्स को आपस में ब्लेंड कर देता है, स्मज कर देता है। और इसको अगर आपने करके देखना हो तो एक काम करते हैं, इस इमेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं स्मज। जैसे ये इसके आईब्रोज अगर आप देखो, आप चाह रहे हो इसको थोड़ा सा स्मजिंग के थ्रू एडजस्ट किया जाए, कर सकते हो स्मज। ये भी काम करते हैं, इस तरह की माइनर काइंड ऑफ एडजस्टमेंट भी कर देता है। टूल ले लो ब्रश का, जो हार्ड ये वाला ब्रश मैंने ऑन किया है, अब ये देखो साइज वाइज उस हिसाब से कर लेना ब्रश का। ये लो, ये एडजस्टमेंट करनी रिक्वायर्ड है पिक्सल्स की। ये काइंड ऑफ स्मजिंग मिक्सिंग, या इसको इस तरह कर लो जैसे ये आपको ब्रश का स्ट्रोक लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। एक और स्ट्रोक लगा देते हैं ये वाला, एक और स्ट्रोक लगा देते हैं ये वाला। अगर आपको इसको स्मज करना हो स्मज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वन, ये स्मज। स्मज करते हैं और जिस करंट जो आपका फोकस एरिया होता है उसको पिक करता है एंड उसको मूव करता है। बाद में आपको कोई ऐसा डिजाइन बनाना पड़ जाता है जिसमें आपको स्मजिंग रिक्वायर्ड होती है, तो ये बड़े आराम से इसको आप यूज कर सकते हो। जिस एरिया से आओगे उस एरिया से जो फार साइड का एरिया है, जिस डिफरेंट एरिया है उसकी तरफ वो कलर्स को स्मज करके ले जाता है। अब रेड से आप अगर ब्लू की तरफ जाते हो, या ब्लू से आप ब्राउन की तरफ जाते हो, या ब्राउन से आप ब्लू की तरफ आते हो, तो ये स्मज करता है। कोई ऐसी आगे ना डिजाइन आपने क्रिएट करना है, पिक्सल्स को वर्क करना है, तो स्मजिंग ये काम करता है, मिक्सिंग करता है, कलर्स को मिक्स एंड मैच करता है। तो ये अगर आप करना चाहो ये की जा सकता है स्मज, ठीक है। तो ये पिक्सल्स को कलर्स को आपस में ब्लेंड करता है, मिक्स करता है। ये आप इस ऑप्शन को इसलिए यूज करते हो। बाकी एक टूल रह गया, इंशाल्लाह मैं क्लासेस के दौरान अगर आपको करवा सका तो करवा दूंगा, वरना थर्सडे को आपको कॉल कर लूंगा। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि ये ऑप्शंस मैंने आपको कुछ करवानी है, ये बने, ये मैं खुद करवाऊंगा। वैनिशिंग पॉइंट हो गया, लिक्विफाई हो गया, लेंस हो गया, जो मैं इसमें मैं करवा सकता हूँ इस लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए, ये मैं आपको ऑप्शन ये वाली भी करवा दूंगा कुछ इसके अंदर। अगर टूल एक आध जो रह गया वो भी आपको देख लेंगे कुछ, और अगर इसमें मजीद इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होगी, कुछ लैब्स दिखानी होंगी, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए हो सकता है मैं क्लासेज में आपको करवा दूँ मंडे ट्यूजडे वेनेसडे, अगर नहीं करवा सका तो फिर थर्सडे को क्लास कर, ठीक है जी। जी हमारे साथ कौन है, मिस लाइबा हैं और शाहूद, ठीक है जी, इंशाल्लाह, थैंक यू।